कर्नाटक के हुबली शहर के बाहरी इलाके में एक यात्री बस और एक लॉरी की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और 26 घायल हो गए। घायलों को हुबली के KIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट के बाद दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यात्री बस कोल्हापुर से बेंगलुरु जा रही थी। रात के करीब 12:30 से 1 बजे के बीच की बात है, जब बस धारवाड़ की ओर जा रही एक लॉरी से टकरा गई। उस समय बस चालक ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली है। एक्सीडेंट की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और FIR को दर्ज कर लिया गया है। वहीं घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिछले दिनों में भी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक और रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार गाड़ी ने अपना संतुलन खोया और पेड़ से जाकर टकरा गई। सभी लोग एक शादी में शामिल होने के बाद गांव वापस लौट रहे थे। हादसे में 10 लोग भी घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPL।